जी अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लिए लेकर आए गर्मा गर्म नमक वाले पराठे। तो सबसे पहले आटा थोड़ा सा निकाल लेना है लहदा से खुशके में, और उसके अंदर लगा देनी है नमक की चुटकी या हसबे जायका नमक लगा देना है। और उसके बाद ऐसे लंबाई लंबा लंबाई लंबा सा क्या करना है, एक जैसे वो सांप नहीं होता मोटा सा, सांप की तरह आपने इसको घुमा घुमा के जब तक कि सांप ना बन जाए आपने इसको घुमाते रहना है। और उसके बाद इसकी ढेरी सी बना लेनी है, लेकिन इसका मुंह जो है ना सांप का अंदर को कर देना कहीं काटी ना हो जाए। तो उसके बाद ये देखिए ऐसे बन गया आपका पेड़ा। अब ये जो पेड़ा है इसको आपने शेल्फ़ पे निकाल के रख देना है साइड पे, और इसको बेलना शुरू कर देना है। इतना बेलना है ये जब तक कि ये आपकी पसंद का जो है वो इसका साइज़ ना हो जाए इसकी रोटी का। आपने इसको बेलते रहना है, पर ये देखे ना साइड से जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया है। इतना भी नहीं करना कि बिल्कुल ही बिंगा हो जाए, इसको इसी तरह से बेलते जाएँ। देखिए जी क्या ज़बरदस्त बेला है। और इसके बाद आपने तवा गर्म करके उसके ऊपर ये गोल गोल रोटी जो है वो आपने डाल देनी है। राबिया आपने तो बल डाल दिए इसमें, राबिया से तो थोड़े से पड़ गए इसमें बल, चलो खैर कोई बात नहीं, गरम गरम होगा तो खुद ही जो है वो बल भी नहीं महसूस होंगे, मज़े का लगेगा हमें। तो ये थोड़ा जो है इस तरह का आपने बनाना है। देखिए वाह वाह, अब ये देखिए इसके ऊपर ऑयल लगा लें, आपको घी पसंद है घी लगा लें, जो पसंद है आप वो लगा लें, देसी घी पसंद है देसी घी लगा लें। मैं तो इसके ऊपर ऑयल लगवा रही हूँ जी। वाह वाह क्या घुमा रही हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या घुमा घुमा के कहीं मुझे ना चक्कर आ जाए देख देख के। ये तो ज़रा आप ज़रा ध्यान से घुमाइएगा, उसके बाद चिमटे की भी ज़रूरत होगी, ये ना कि आपके हाथ जो हैं वो सड़ सुड़ जाएँ और फिर आप पछताएँ। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त, ये देखें इसमें लेयर्स नज़र आ रही हैं, पूरी की पूरी तहें नज़र आ रही है। देखें ये आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी। वाह 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 क्या मज़ेदार गर्मा गर्म पराठा है, जब आप इसको खाएंगे अचार के साथ या साथ में हो कड़ी, वाह क्या मज़ा आ जाएगा जी। सादा सा ज़बरदस्त सा नमक वाला पराठा जो कि खाने में इंतहाई टेस्टी है, और आपने भी ये बनाना है और मुझे रखना है दुआ में याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।